गंगा के तट पर बसा भागलपुर एक प्राचीन शहर है। विश्व भर में ज्ञान का स्रोत रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में ही था। भागलपुर शहर के अनियंत्रित सीवेज के गंगा में मिलने और उसके किनारों पर शवदाह की अनियोजित व्यवस्था से गंगा यहां दूषित हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए यहां नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 65 MLD का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है। सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच 50 किलोमीटर के प्रसार में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुअरी स्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्लभ गैंजेटिक डॉल्फिन्स का संरक्षण और उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना है। नमामि गंगे के तहत 2200 हेक्टेयर में प्लांटिंग करने का योजना है। 36,000 पौधा हम लोग का स्थापित करना है। 33,000 पौधे स्थापित हो चुका है। अब 3,000 पौधा सिर्फ बचे हुए हैं जिसको हम लोग स्थापित कर रहे हैं। गंगा विचार मंच नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा उसकी एक सामाजिक सहभागिता का पटल है और हम लोगों को गंगा स्वच्छता, गंगा सफाई और उस पर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसी तरह हम प्रयासरत रहे तो भागलपुर में गंगा में हो रहे प्रदूषण को हम खत्म कर पाएंगे और दुर्लभ गैंजेटिक डॉल्फिन्स को भी विलुप्त होने से बचा पाएंगे।